हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योपेंद्र सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रिय साथियों, डीएलएड बीएसटीसी एडमिशन 2023 के बारे में फिर से एक नई अपडेट लेके आप लोगों के बीच पहुंचा हूं। बहुत सारे बच्चों के बार बार क्वेश्चंस रहते हैं, बार बार कॉल्स आती हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आती है कि सर एडमिशन कब से स्टार्ट होगा, कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा। साथियों, जब भी कोई नई अपडेट मिलती है, कोशिश होती है सबसे पहले अपडेट करने की। शायद अभी जो मैं आप लोगों के साथ अपडेट शेयर कर रहा हूँ, ये भी आपको सबसे पहले हमारे चैनल पर ही देखने को मिलेगी। एक कोई भी बच्चा है, किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9461-79859। इस कॉन्टैक्ट नंबर के माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकता है, बातचीत कर सकता है। हमारी जो टीम है वो आपका कॉल रिसीव करेगी। सबसे मेन बात ये रहेगा, बच्चे कॉल करते हैं, एक बार कॉल करना स्टार्ट करने के बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10 देखते नहीं कितनी बार कॉल करते हैं। देखो, तो कई बार क्या होता है कि हम कहीं बैठे हैं, किसी के साथ बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, यदि बार बार हम कॉल्स को अटेंड करते रहें तो सामने जो बैठा है उस व्यक्ति को हम समय नहीं दे पाएंगे। हमारा मानना ये होता है कि यदि हम एट ए टाइम फ्री हैं तो हाथ के हाथ बच्चों का कॉल उठा के उसका आंसर का रिप्लाई करते हैं। यदि तुरंत प्रभाव से आपका कॉल रिसीव नहीं हो पाता किसी कारण से, तो आप केवल एक बार कॉल करके छोड़ दें और कुछ समय का इंतज़ार करें। 24 घंटे के अंदर अंदर आपको बैक कॉल आएगी। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, हमारे इस कॉन्टैक्ट नंबर को ओपेंद्र सर हरियाणा करके अपने मोबाइल नंबर में सेव कर लें। जब भी हम बैक कॉल करें तो आपको ये पता रहे कि भाई हमने इस नंबर पर कॉल किया था। बहुत सारी बार दिक्कत आती है कि बच्चे कॉल करके भूल जाते हैं कि हमने किसके पास फ़ोन किया था। हमारी जो टीम है उसके द्वारा बैक कॉल की जाती है तो पूछा जाता है कौन बात कर रहे हो, कहाँ से कर रहे हो। 10 मिनट उनको समझाना पड़ता है कि आपने कॉल किया था, तब उनको पता चल पाता है। साथियों, अब स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉपिक हमारा, जेबीटी एडमिशन 2023 को लेके क्या कुछ नई अपडेट आज आई है। साथियों देखो, मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि भाई जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी शेयर करूँगा। 7/11/2023 को कोर्ट के अंदर, एक हाई कोर्ट के अंदर तारीख लगी थी जिसमें कुछ चर्चा हुई थी। मैंने कहा था कि लगभग 10 दिन का टाइम दिया गया है, 10 दिन के अंदर एक कमेटी बनाने की बात कही गई है और वो कमेटी इसके ऊपर अपना डाटा है वो कलेक्ट करेगी कि एडमिशन कब से स्टार्ट करना चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके बारे में भी चर्चा करेगी। तो साथियों, बहुत सारे बच्चे बार बार कॉल कर रहे थे या फिर मैसेज कर रहे थे, नीचे कमेंट में डाल रहे थे कि सर आप तो झूठ बोल रहे हैं, ये तो आपने लिखा है। साथियों, कोई बात मौखिकली बताई जाती है तो या तो लिख के या फिर आपको मौखिकली ही हम बता सकते हैं। जब लिखित में कोई आदेश आता है तो वो आप लोगों के साथ हम उसको शेयर करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है इसमें लिखा गया है, देखो सबसे पहले तो ये दिनांक लिख रखी है 18/11/2023, यानी कि आज ही की डेट के अंदर इसके ऊपर चर्चा हुई है। पंचकुला की तरफ से इस नोटिस को जारी किया गया, इसमें क्रमांक नंबर भी दिया गया है 8/85/2023 PS2। उसके बाद नीचे हम चलते हैं, विषय के अंदर यहाँ लिख रखा है जो अपना केस नंबर है उसके बारे में, हरियाणा सेल्फ फाइनेंस प्राइवेट कॉलेज वर्सेज एसोसिएशन SCERT एंड अदर्स, इन सभी को इसके बारे में लिखा गया है। नीचे लिखा है उपरोक्त विषय के संदर्भ में माननीय कोर्ट द्वारा CWP 20342/2023 के अंतर्गत सेल्फ फाइनेंस जो प्राइवेट कॉलेज हैं वो कॉलेज एसोसिएशन SCERT एंड अदर में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 7/11/2023 के अंतर्गत प्रतिवादी नंबर 1, 2, 4 एवं 5 के साथ हरियाणा सेल्फ फाइनेंस प्राइवेट कॉलेज एसोसिएशन की सरकार द्वारा NEP 2020 की गाइडलाइन के तहत किए गए डीएलएड कोर्स बंद के संबंध में एक बैठक की जानी है। यानी कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से लागू करने की बात हरियाणा सरकार की तरफ से बार बार कही जा रही है, कॉलेज एसोसिएशन इस चीज़ को लेकर हाईकोर्ट के अंदर केस डाल रखा है कि अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे किसी प्रकार का कोई भी काम नहीं हुआ है और गवर्नमेंट ने एक लक्ष्य रखा था कि 2030 तक हम इसको पूर्ण रूप से लागू करेंगे। अभी केवल 2023 आई है, ग्राउंड पे कोई वर्क नहीं है। जेबीटी कॉलेज को सरकार ने बंद कर दिया था, डीलर कोर्स को सरकार ने बंद कर दिया था। तो अब एसोसिएशन का ये कहना था कि ये जो कॉलेजों को बंद किया गया है डीलर का हरियाणा सरकार के द्वारा, ये सरासर गलत है। हाई कोर्ट के माध्यम से दोबारा से कोर्स चलाने की बार बार मांग की जा रही है। साथियों, कोर्ट ने एक कमेटी बना के 10 दिन के अंदर इसके ऊपर चर्चा करने के लिए कहा था कि भाई इसके अंदर कुछ जो महत्वपूर्ण सदस्य हैं, जैसे कि SCERT है, NCT है, एसोसिएशन का है, या फिर जो स्कूल शिक्षा हरियाणा की तरफ से मुख्य सचिव को इसके अंदर रखने की बात कही गई है। या नीचे दूसरा पैराग्राफ उसके अंदर कहा गया है, माननीय कोर्ट के दिशा निर्देश अनुसार माननीय अतिरिक्त मुख्य सचिव स्कूल शिक्षा
हरियाणा चंडीगढ़ की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष 9 नंबर मंजिल मुख्य सचिव हरियाणा चंडीगढ़ में दिनांक 20/11/2023 को सुबह 11 बजे बैठक निश्चित की जाती है। यानी कि इस संदर्भ में 10 दिन के अंदर अंदर जो बैठक करने की बात कही गई थी, अब उसके अंदर 20 तारीख को बैठक करने की बात यहां कही गई है। उसके बाद दोबारा नीचे लिखा गया है, अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त बैठक में निश्चित तिथि एवं समय पर भाग लेने का कष्ट करें। यानी कि एसोसिएशन को बुलाया गया है, जो सदस्य की जो इनकी एक 4 आदमियों की कमेटी बनाई गई है डीलर एडमिशन के ऊपर चर्चा करने के लिए, उनको उन्होंने अपना एक समय निर्धारित किया है 20/11/2023 सुबह 11 बजे का चंडीगढ़ के अंदर इनकी बैठक होने वाली है। साथियों, ये बैठक का दौर हो सकता है कि एक रहे, 2-3 दौर में चले, उसके बाद अपना जो नेक्स्ट हियरिंग है वो है 30 नवंबर। देखो, कई बार दो तरह की सिचुएशन बनती है। एक सिचुएशन तो ये बनती है कि भाई सरकार ये कहे कि कोर्ट कहेगा तो ही हम आदेश को इसको लागू करेंगे, डीलर के कोर्स को चालू करेंगे, अन्यथा हम इसको बंदी रखेंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी ये बनती है, संभावना ये बनती है कि भाई 2-3 दौर की बैठक हो, सरकार यूनियन जो कॉलेज एसोसिएशन है वो और जो SCERT NCT की जो भी सदस्य बैठते हैं वो सब मिल बैठ के बातचीत करते हैं और इनका एक किसी भी मतलब कि फाइनल रिजल्ट के ऊपर ये पहुंच जाते हैं कि हम इस कोर्स को 1 सप्ताह में 2 सप्ताह में स्टार्ट कर देंगे। तो देखो, पॉसिबिलिटी बनती है, अभी कोई कन्फर्म नहीं है 100% कि भाई ये मीटिंग होने के बाद तुरंत प्रभाव से एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा। संभावना है 30 तारीख से पहले एडमिशन स्टार्ट भी हो सकता है। संभावना कुछ इस प्रकार की भी बनती है कि भाई 30 तारीख यानी कि 30 नवंबर को कोर्ट के अंदर हेयरिंग है, 30 नवंबर के तक ये कमेटी बैठेगी, बातचीत करेगी, जो भी अपनी रिपोर्ट बनाएगी वो 30 नवंबर को अपना जो रिजल्ट है, अपना जो डाटा कलेक्ट करेगी कमेटी, वो कलेक्ट करके डाटा कोर्ट के सामने, जज के सामने रख देगी। जज उस चीज़ को देख के और अपना डिसीजन देगा कि एडमिशन कब से स्टार्ट करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। साथियों, हमारा जहाँ तक मानना है, आप लोगों को मैं कहना चाहूँगा, 100% तो कहने के बाद तो ये हो जाती है कि भाई 100 का मतलब तो होता है कि काम हो ही जाना। मैं कहूँगा 99% आप लोगों के एडमिशन स्टार्ट होंगे, 1% कहीं इसमें कारण हो सकता है कि ना स्टार्ट हों। अभी तक जो हमने डाटा कलेक्ट किया है, कंटिन्यू हम इस चीज़ के अटैच में हैं, इसकी जो भी अपडेट मिलती है आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, और हमारी भी कोशिश होती है कि कहीं से भी कोई भी हलचल कहीं भी हो रही है तो उस हलचल के बारे में चर्चा की जाए। कल भी एसोसिएशन, कल यानी कि 17 नवंबर को भी जो कॉलेज एसोसिएशन है उसके कुछ सदस्य SCERT गुड़गांव गए थे, वहाँ भी बैठ के बातचीत हुई है, वहाँ से भी कुछ पॉजिटिव रिजल्ट की ही संभावना है। फिलहाल तक जो मौखिकली बात हुई है उसके अनुसार मैं यही कहूँगा, पॉजिटिव रिजल्ट की ही बात है। बाकी तो देखो, अभी मामला न्यायालय के अंदर है, कोर्ट के अंदर है, तो उसमें थोड़ा समय लग सकता है, बट हमारा जहाँ तक मानना है जो फैसला है आप लोगों के पक्ष में आएगा, कोई घबराने की बात नहीं है। जरूर एडमिशन प्रक्रिया में थोड़ी सी देरी हो रही है, और देरी होने का मतलब ये नहीं है कि सेशन चला जाएगा। यदि हरियाणा सरकार चाहती है, यदि न्यायालय यानी कि कोर्ट चाहता है कि एडमिशन स्टार्ट करें, तो साथियों बहुत बार ऐसा हुआ है कि जनवरी फरवरी मार्च तक डीलर का एडमिशन चला है, इस साल भी जनवरी फरवरी तक एडमिशन चल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। फर्स्ट ईयर के बच्चों का एग्जाम जो होता है वो जुलाई के अंदर होता है, यदि किसी कारण आपका एग्जाम जो है वो जुलाई में ना होने के बजाय अगस्त सेप्टेम्बर अक्टूबर तक भी एग्जाम होता है फर्स्ट ईयर का, तो भी आप देर नहीं है, क्योंकि आप लोगों को बताना चाहूँगा 23-25 का सेशन है, तो 2024 में जो आपका एग्जाम जुलाई में होना है वो 1-2 महीने लेट होता है, कोई बात नहीं है, चलेगा। 2025 में जो आपका एग्जाम है वो सही समय पे जुलाई 2025 में निपटा दिया जाएगा, आपका जो सेशन है वो बिल्कुल सही समय पे समाप्त हो जाएगा। देखो, अभी कुछ संभावनाएं पॉजिटिव ही बन रही हैं, जैसे ही कोई नई न्यूज आएगी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप वीडियो को शेयर ना करें, हमारी वीडियो को लाइक भी ना करें, बट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि शेयर करने में और लाइक करने में वीडियो को हो सकता है आपकी कुछ एनर्जी वेस्ट होती हो, बट सब्सक्राइब करने में फ़ायदा आपको यह रहेगा यदि आपने उस सब्सक्राइब के रेड बटन को ब्लैक कर लिया, तो जब भी हम नई अपडेट डालेंगे आप लोगों के लिए तो आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन तुरंत प्रभाव से मिल जाएगी और आप इसका लाभ उठा पाएंगे। कोई भी बच्चा है एडमिशन लेने का इच्छुक है, भाई आप इस नंबर पे बातचीत कर सकते हैं, जैसे ही एडमिशन स्टार्ट होंगे हम एडमिशन कराने का आपका काम करेंगे, किसी प्रकार की परेशानी किसी बच्चे को नहीं आने देंगे। हमारी कोशिश ये है कि कोई भी बच्चा एजुकेशन से वंचित ना रहे, जितनी भी हमसे संभव होगी मदद करेंगे। फिलहाल की आज की वीडियो में आप लोगों के साथ ये जानकारी शेयर करनी थी। जय हिंद, जय भारत।